जी, तो उस बेबी की चीज़ें मैंने सब आपको मैंने दिखा दी हैं। तो फ़ोन अभी जा रहा है बाहर, तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। तो जुमेरात वाले दिन ज़रूर हम आपको दिखाएंगे, नए कपड़े पहनेंगे, नई ज्वेलरी पहनेंगे और तैयार वगैरह होंगे, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी खैर खैरियत से हैं। हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें। आज ही सुबह सुबह का टाइम है अभी, तो अभी जो है ना मेरी बेटियाँ जो है ना स्कूल चली गई, तो सामने बैठी है जी बेगम साहबा, मेरी बेटी को नहला रहे हैं पानी गर्म करके। तो अभी भी बिस्तर वगैरह वैसे ही पड़े हुए हैं, क्योंकि बेटियाँ होती थी तो जल्दी जल्दी वो समेट लेती थी। अभी जो है ना मुझे कराना पड़ेगा, या सिस्टर लोग जो है ना काम साथ में कराना पड़ेगा, या सिस्टर लोग साथ में जो है ना इनको जब सूखेंगे तो अंदर उठा के रख। मामू जान आज फिर से जो है ना लहसुन की उगाई कर रहे, लगाने का काम शुरू है, वो कंप्लीट हो चुका था और ये जो है ना रहता था। अभी अब सुबह सुबह लेके आए हैं और अभी लहसुन जो है ना मामू जान ने लगा कर इसके ऊपर फिर पानी लगाएंगे। आज सुबह सुबह ही कज़न के घर से मशीन लेके आए थे, ये साथ वाले घर से। अभी जो है ना मशीन लगा दी है, क्योंकि कपड़े बहुत सारे पड़े हुए थे दो तीन दिनों से। तो मेरी बेटियां तो चली गई हैं, लेकिन सिस्टर लोगों ने कहा कि चलो हम लगा देते हैं और जल्दी जल्दी कपड़े धो लेंगे और काम जल्दी हो जाएगा। तो साथ में वहाँ से लेके आए हैं तार, तो जुगाड़ लगा लगा के यहाँ रखिए दरख्त के नीचे। तो साथ में क्योंकि पानी भी साथ में है, मोटर ये धोए जा रहे हैं। मुस्तफ़ा आया है, कह रहा है कि ना बाबा मुझे मैच खिलाओ। मैंने कहा मुझे अभी नाश्ता नहीं किया और मैंने ना नहीं खेलना अभी, क्योंकि तबीयत जब मेरी बेहतर हो जाएगी तो इंशाल्लाह अपने बेटे को मैच भी खिलाऊंगा। ठीक है, ठीक है जी। माशाल्लाह से कपड़े जो है ना धोकर जो है ना सूखने के लिए डाल दिए गए हैं, क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे आप पीछे देख रहे होंगे। तो सुबह से मशीन लगाई हुई थी, अभी जो है ना माशाल्लाह से ख़त्म हो गए हैं। तो सिस्टर को कहा है मुझे ना भूख लगी है और मुझे ना कुछ दे दो खाने के लिए। तो खाने के लिए हैं जी सुबह सुबह सेब काट के, दोपहर में खाना होगा। तो सब ने चाय बिस्किट खाए हैं, तो मैंने तो चाय बिस्किट खाने नहीं है, तो इसलिए मैं खा रहा हूँ जी सेब। ये जी माशाल्लाह से आयत फातिमा के सर के में तेल डाला जा रहा है। ये रहा जी तेल, ये कौन सा तेल है जी? गरी वाला तेल डाला जा रहा है। अफसा डाल रही है उसके सर में। आज खाने की बात कर रहे हैं तो खाने में बना रहे हैं जी गोभी। तो मामी जान और अम्मी जान बना रही हैं जी गोभी, तो मामू जान भी साथ में हेल्प करवा रहे हैं और मेरे लिए भी कद्दू बना रहे हैं आज फिर से। कद्दू और शलजम तो हमारी खुराक है ना। तो आज जो है ना आज सुबह सुबह ही खाने में जो है ना सब लोग जुट गए हैं, क्योंकि कल जो है ना बहुत देर हो गई थी खाने में। आज अब सुबह सुबह 9 का टाइम हुआ है और दोपहर का खाना माशाल्लाह से स्टार्ट कर दिया है। तंदूर भी जलाया जा रहा है और साल में सालन भी पकाया जा रहा है माशाल्लाह से। आज ना मुस्तफ़ा ने मुझे तंग किया हुआ था, कह रहा है कि मुर्गी जो है ना अंडे नहीं दे रही और मुझे तीर कमांड बना के दो, मैं इसको आज मारूंगा। आज निशाना साधा हुआ है, उधर मुर्गी को भी देख रहा है, इस अंदर बंद कर दिया, क्योंकि ये जो है ना मुस्तफ़ा आज छोड़ेगा नहीं मुर्गी को। कह रहा है अंडे देती है ठीक है ना, आज इसको मैं तीर कमांड से उड़ा दूंगा। मुस्तफ़ा उड़ाओ, कैसे छोड़ते हो, छोड़ो है। निशाना लगा दिया मुस्तफ़ा ने भाई। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। हमें देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें और अल्लाह के फजल करम से हम भी खैर खैरियत से हैं। सेब खा रही हूँ, जो मेरे बहन भाई में खाना चाहे तो वो आ सकते हैं। ये सिस्टर वगैरह ने सेब काट कर दिए हैं, भला सेब खाओ।
मैंने कहा चलो सेब खा लेते हैं। सब बहन भाई ने बोला है कि व्लॉग बनाओ व्लॉग बनाओ, मैंने कहा चलो यहीं पे मेरी जगह है, मैं यहीं पे अपना व्लॉग थोड़ा सा बना के अपने बहन भाई को दिखा देती हूँ। बेबी की मैं चीज़ें समेट रही थी, मैं अभी बैक कैमरा करके आपको दिखाती हूँ जी। तो परी की मैंने तैयारी कर कर नहा धो के मालिश वगैरह करके वो सो गई है, उनको मैंने सुला दिया है। मैंने कहा चलो पहले बैक कैमरा करके आपको मैं दिखा देती हूँ। तो आपने मेरी परी के लिए बहुत सारी दुआ करनी है कि अल्लाह पाक मेरी बच्ची को बुरी नज़र से बचाए। और ये रहा मुस्तफ़ा, अब नहीं आता मेरे पास, ये मेरे साथ रात को यहाँ पे सोती है, यहीं पे सुला देती हूँ। ये रात वाला बिस्तर है, अभी सब कुछ सही कर रही हूँ मैं। और ये बेबी की चीज़ें कपड़े वगैरह, और ये बेबी पाउडर सब, ग्रेवट वगैरह, बेबी ऑयल, हर चीज़ डब्बे दिए हुए हैं उन्हीं में सब चीज़ रखा हुआ है। और एक ये इसमें भी कपड़े रखे हैं, आपको मैं दिखा देती हूँ। देखो बेबी की चीज़ें, ये चरपाई है, बस मेरी हद अभी यहीं तक है, दो तीन दिन के लिए बस। फिर आप मेरी हालत देख रहे होंगे कि मैं यहीं तक बस बाथरूम जाती हूँ, बाथरूम से लेके यहीं तक 11 दिन मैंने यहीं सुकून करना है, फिर मैंने बाहर निकलना है। और ये बेबी का बाउंसर, और दिखाऊं मैं, ये बेबी के कपड़े पुप्पू वगैरह लेकर आए हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। जी ये मेरी परी के कपड़े हैं जो मैंने 11वें दिन इनको पहनाने हैं, और गोदी में लेकर मैंने इनको चूरी वगैरह मैं खाऊंगी, पहले नहीं खाना खाना है इसको गोदी में लेकर। जी तो बेबी की चीज़ें मैंने सब आपको मैंने दिखा दी हैं। तो फ़ोन अभी जा रहा है बाहर, तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। तो जुमेरात वाले दिन ज़रूर हम आपको दिखाएंगे, नए कपड़े पहनेंगे, नई ज्वेलरी पहनेंगे और तैयार वगैरह होंगे, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मुस्तफ़ा और सैम अली जो है ना, ये देखो खट्टे माल्टे खा रहे हैं, मैं इसको मारूंगा। हैं मुस्तफ़ा नहीं खाओ बेटा, ये दोनों ने मुकाबला लगाया हुआ है आज माल्टे खाने का। मुस्तफ़ा गला ख़राब हो जाएगा बेटा। मुर्गी को मैंने साथ में भूनना शुरू कर दिया कि मुर्गी साथ में जो है ना सालन के अंदर वो भी डालनी थी गोभी के अंदर, तो मुर्गी को मैंने जो है ना भूनी लगाना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद जो है ना ऐड करेंगे जी गोभी, गोभी धोने के लिए मैंने भेज दी है। आज सालन मैंने कहा आज मैं हेल्प कर देता हूँ, क्योंकि आज मेरी बेटियाँ नहीं है ना, तो मैंने कहा चलो आज मैं फिर आज खुद बना लेता हूँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह मुर्गी जो है ना भून चुकी है, अभी जो है ना गोभी भी आ चुकी है, और गोभी जो है ना ऐड करते हैं और इसको साथ साथ वो भी भूनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो मामू जान और कुछ चाहिए? नहीं जी बहुत मेहरबानी। अच्छा बहुत मेहरबानी। तो मामू जान को लगी थी भूख और सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है, और साथ में गरम गरम रोटी भी तैयार हो गई थी, सिस्टर ने कर दी थी। तो मामू जान खाना खा रहा है और हमें भी भूख लग रही है, हम भी खाना खाते हैं साथ साथ में जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी खाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी थी। हमारे भी कद्दू शरीफ तैयार हो चुके हैं, और ये रही लीड, लीड भी हमारी ख़राब हो गई थी और अभी नई मंगवाई है, और देखते हैं कि कैसा हिसाब किताब करती है, सही है या गलत है जी। अल्हम्दुलिल्लाह खाना हमने खा लिया है, तो अभी हो चुका है जी जोहर का टाइम नमाज का, तो अभी पढ़ते हैं जी नमाज और मिलते हैं नमाज के बाद। ये रहा जी मुस्तफ़ा, और मैंने मिट्टी डलवाई है, मिट्टी को
ये मुस्तफ़ा ख़राब कर रहा है और उसमें उसके अंदर ना इसने घर बनाया हुआ है। मुस्तफ़ा आराम करो, ये देखो कपड़े भी सारे ख़राब किए हो तूने। कहाँ पर? इधर इधर बात करो ना, इधर देख कर बात करो। पार्टी हो रही है। किस बात की पार्टी हो रही है? हाँ इधर देखो, जैनब भी घर बना रही है अपना। ये मैं हूँ और ये हफ्ते और ये मुस्तफा और ये हमारी पार्टी हो रही है। ये हमारी पार्टी हो रही है। वो सारी मट्टी खराब कर रहे हो तुम लोग। ये मैं हूँ, ये मेरी औलाद है और मुझसे गलती होगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज मैंने पढ़ ली है, तो उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।